नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित शंकरलाल आचार्य में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो द्वारा आपको बताएंगे फोटो से वशीकरण कैसे करें। तो दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पंडित शंकरलाल आचार्य को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, फोटो से वशीकरण मंत्र के लिए आपको जिसको वश में करना है उनका कोई अच्छा फोटो और उनका नाम सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, फोटो से वशीकरण करने के बाद आप अपनी नज़र में काफ़ी दूर रहने वाले इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। फोटो से वशीकरण कैसे करें? इस वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल आप रूठी हुई पत्नी या पति को, प्रेमी या प्रेमिका, लड़का या लड़की को वश में करने का सही तरीका कर सकते हैं और आप इस वशीकरण मंत्र से उनको अपने प्यार के कब्जे में ले सकते हैं और मनचाहा प्रेम विवाह कर सकते हैं। दोस्तों, फोटो से वशीकरण मंत्र जानने से पहले हमको ये जानना है कि फ़ोटो से वशीकरण करने के फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, पति को वश में कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड को वश में कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड को वश में कर सकते हैं, किसी लड़की को वश में कर सकते हैं या किसी शादीशुदा औरत को वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं फ़ोटो से वशीकरण कैसे करें और ये कैसे होता है। दोस्तों, फ़ोटो से वशीकरण करने की प्रक्रिया को आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, यदि आप इस प्रक्रिया को सूर्य ग्रहण वाले दिन से करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को सुबह से शुरू करें। यदि आप चंद्र ग्रहण वाले दिन इस प्रक्रिया को करना चाहते हैं तो इस क्रिया को आप रात को संपन्न करें। और वैसे तो दोस्तों, आप ये क्रिया शनिवार वाले दिन ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, वशीकरण प्रक्रिया से पूर्व साधक शीतल जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद एक ऐसे स्थान का चयन करें जहां आपकी साधना के दौरान कोई विघ्न न डाल पाए। ऐसे स्थान पर आप लाल कपड़ा बिछाकर उस पर उस व्यक्ति की रंगीन फ़ोटो रखें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उस फोटो में थोड़ा सा लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद आप अगरबत्ती या धूप जलाएं और दिए गए मंत्र का जाप शुरू करें। तो दोस्तों, दिए गए मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। यह साधना आपको 21 दिन तक लगातार करनी है। 22वें दिन आपको वशीकरण वाली फ़ोटो को संभाल कर किसी स्थान पर रख देना है। थोड़े दिन के बाद वह इंसान आपके वश में हो जाएगा और आप उसे मनचाहा काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, फोटो से वशीकरण मंत्र है, मोहनी माता भूत पिता भूत सिर विताल, उड़के काली नाम को जा लाग, ऐसी जाके लाग की नाम को लाग जावे हमारी मोहब्बत की आग। न खड़े सुख न सोते सुख, सिंदूर चढ़ाओ मंगलवार, कभी न छोड़े हमारा ख्याल, जब तक न देखे हमारा मुख, काया तड़प तड़प मर जाए, चलो मंत्र फूरो वाचा, दिखाओ रे शब्द अपने गुरु के इलम का तमाशा। तो दोस्तों, जहाँ पर मैंने नाम शब्द का प्रयोग किया है वहाँ पर आप जिसे वश में करना चाहते हैं उस इंसान का नाम लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो तुरंत हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो अभी जरूर कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखें।